बना रहे हैं कि नेताजी का सपना सफल था और जीवन भर वो मिट्टी में रह करके पढ़े लिखे खेले आगे बढ़े, राजनीति की तमाम परेशानियां गांव के लोगों की तमाम दिक्कतों को समझते हुए वो देश की राजनीति में ऊंचाई तक पहुंचे और सबसे ज्यादा लगाव उन्हें सैफई के प्रति था। इसीलिए सैफई में ये मेमोरियल बनने जा रहा है, उनके जन्मदिन 22 नवंबर को हम सब लोग मिलकर के इसका शिलान्यास करेंगे। मैं आप लोगों को भी बुलाऊंगा, हमारे सभी वरिष्ठ समाजवादी नेता उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सर इसमें पुस्तकालय भी हो, वो अगर आप प्रेजेंटेशन देखेंगे तो आपको, इसीलिए मैंने प्रेजेंटेशन की कॉपी मैं कहूंगा आशीष एक बार इन सबको व्हाट्सएप पे भेज दें, तो प्रेजेंटेशन है ही, उसमें सब चीजें हैं। सर नेताजी को धरती पुत्र कहा जाता था, ये बताया जा रहा है कि आपके मोबाइल फोन पर घुसपैठ हो रही है, बड़े दुख की बात है। इस सुबह सुबह ये जानकारी मिली और इस तरह का मैसेज कंपनी के माध्यम से मोबाइल पर पहुंचा है और ये जो मैसेज बता रहा है कि आपका स्टेट एजेंसी या स्टेट की तरफ से हैक किया जा रहा है या जासूसी की जा रही है, तो बड़े दुख की बात है। आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं, आखिर जासूसी किस लिए? और इस सीमा तक कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टियों के बड़े नेता हैं, उनके मोबाइल सर्वेलेंस में ले ली जाए, उनकी जानकारी हो जाए, ये बड़ा दुखद है और डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह नहीं है। इसकी जांच हो, सरकार जांच करके बताएगा क्यों ऐसा चल रहा है, जिसमें कई वरिष्ठ नेता हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज के हैं। नहीं, मैं आपको डिस्प्ले करा दूंगा जो मैसेज कंपनी की तरफ से आया है। जी सर, एक बार नहीं, मैं तो नहीं दिखाऊंगा मोबाइल, आप देख लेना, किसी और की कंपनी देख लेना। आज हमारे लिए महत्वपूर्ण नेताजी का मेमोरियल है, ये तो अचानक बात आ गई इसलिए मैं बात कर रहा हूं। और देखिए जासूसी क्या होगा किसी की जानकारी हासिल करके, जब जनता ही आपके खिलाफ है। और ये जो पीडीए यात्रा या पदयात्रा हुई, अभिषेक और उनके संगठन के लोगों ने जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम चलाया है और पार्टी के संगठन ने साथ दिया है, 5000 किलोमीटर से ज्यादा ये लोग चल चुके हैं साइकिल से और पैदल, और अभी उन्हें लंबी दूरी जाना है। नेताजी के कार्यक्रम 22 को, उससे पहले ये सैफई पहुंचेंगे और उसके बाद ये लोग लगातार बूथ स्तर पर काम करेंगे। तो ये जो तैयारी है इसी से घबराए हुए हैं। कल कोई पत्रकार साथी मुझसे पूछ रहा था कि बीजेपी के लोग दलित सम्मेलन कर रहे हैं, ये बीजेपी के वही लोग हैं जो लोगों को मिलने से पहले उन्हें साबुन से नहलाते हैं, साफ सुथरे होकर के आए, टूथपेस्ट करके आए, तब आए, तब मुलाकात होगी। और फिर इस देश ने वो समय भी देखा है, अगर किसी ने छू लिया तो ना करके आते, किसी के छुए का खाना नहीं खाते। वो हम लोगों ने घटनाएं सुनी है, देखी है, अभी कईयों की जान चली गई अगर पानी पी लिया उसने, अगर कोई मंदिर से सामान उठा लिया उसकी जान चली गई। तो ये समाज में सुधार की जरूरत है। आज सरदार पटेल जी को हम याद करते हैं जिन्होंने देश को जोड़ा, देश को आजादी दिलाई, आचार्य नरेंद्र देव जी को याद करते हैं जिन्होंने हमें समाजवादी सिद्धांत पर आगे बढ़ने का हमेशा प्रेरणा दी, समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया और नेताजी के मेमोरियल के जानकारी आपको दी है, इसलिए कि नेताजी
ने हम लोगों को विरासत में बहुत कुछ दिया है। इतने वर्षों उन्होंने संघर्ष कर करके समाजवादी आंदोलन को यहां पहुंचाया है। हमारी और नौजवानों की यही जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन को और कैसे आगे लेकर के जाएं, इसको आगे बढ़ाएं। ये मेमोरियल कब तक बनके तैयार हो जाएगा? हमारी कोशिश होगी कि 27 से पहले बनकर के तैयार हो जाए। उनकी माटी नहीं है ये। अभी कुछ दिन पहले सॉइल टेस्टिंग कर रहे थे, ये वही लोग हैं जिन्होंने किसानों से कहा कि हम सॉइल टेस्टिंग करेंगे, और आय दोगुनी तो हुई नहीं उनकी। तो ये जो बुनियादी मुद्दे हैं कि चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, चरम सीमा पर अन्याय हो रहा है, और सरकार सुनने को तैयार नहीं है, देखने को तैयार नहीं है। क्या गड्ढे में गाड़ी के डिसबैलेंस होने से बच्चों की जान चली गई? आप मुझे बताओ पत्रकार साथियों, पिछले 6 साल में या 7 साल होने जा रहे हैं, इस सरकार ने कितनी बार कहा कि गड्ढा मुक्त करेंगे सड़कों को? क्या ये बदायूं की घटना उसकी वजह से नहीं हुई? अखबारों में छपाए कि भ्रष्टाचार और गड्ढे की वजह से डिसबैलेंस हुई गाड़ी और इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, बच्चों की जान चली गई, और फिर डेंगू से जान जा रही है लोगों की। किसी जिला अस्पताल में इलाज नहीं है, दवाइयां नहीं है, ऑपरेशन नहीं मिल पा रहा। पीजीआई जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में बीजेपी के नेता, उनके पूर्व सांसद, उनके बेटे को इलाज नहीं मिला, उसकी जान चली गई। इसी पीजीआई में कई मंत्रियों की जान गई, अगर आपको याद हो। याद है कि नहीं याद है आपको? जिस समय कोरोना फैला था, बीमारी आई थी, इसी प्रतिष्ठित संस्थान में मंत्रियों की जान गई। ये जो जांच कर करके अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, कोई जिम्मेदार अगर है तो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो बजट नहीं दे रहे हैं। आखिर बजट कहां जा रहा है? आप बजट नहीं दोगे अस्पतालों को, ऑब्सोलीट मशीनों पर आप डॉक्टर्स को काम करने दोगे, पर्याप्त डॉक्टरों का वेतन नहीं दोगे, आप एनवायरमेंट नहीं बनाओगे। और मैंने कल भी कहा था, आप पता करिए, लोहिया इंस्टीट्यूट, सेफी मेडिकल कॉलेज, पीजीआई या अन्य संस्थाओं में जिनको नौकरी मिल रही है, एक ही संस्था के लोग हैं, एक ही कोचिंग के लोग हैं, एक ही स्टेट के लोग हैं, इतने बड़े पैमाने पर नौकरी मिल जाने। अभी तो मैंने विधानसभा विधान परिषद की बात नहीं की है, आप सब जानते हैं। कल हमारे नौजवानों की साइकिल यात्रा टीवी पर कम दिखाई गई, हमें कोई शिकायत नहीं, क्योंकि सब सोशल मीडिया में सब चल रही है साइकिल, अभी भी दो पहिए अभी भी घूम रहे हैं। मुझे खुशी है कि इस मेमोरियल के लिए यंग आर्किटेक्ट्स, यंग इंजीनियर्स ने हमारा बहुत सहयोग किया। हम किससे इंस्पायर हों? दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स का, बड़े बड़े लीडर्स के सरकारों ने स्मारक बनाए हैं, दुनिया में जगह जगह बने हैं। समाजवादियों ने जयप्रकाश नारायण जी का यहां लखनऊ में बनाया था, और ऐसा समाजवादी म्यूजियम बना था कि देश में किसी लीडर का इस तरह का म्यूजियम नहीं बना है, लेकिन उसको भी बर्बाद कर दिया सरकार ने। जब मैं उसके अंदर गया तो मैंने देखा था कि पॉलिथिन से, धूल मिट्टी से जयप्रकाश जी ढके हुए थे, और यही छिपाना चाहती थी सरकार। सरकार को समाजवादी सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है। समाज में गैर बराबरी खत्म हो, जाति जनगणना हो, जो पिछड़े दलित हैं उन्हें आरक्षण मिले, कोई सरकार को परवाह नहीं है। सरकार आरक्षण छीनना चाहती है, सरकार तमाम महापुरुषों का इतिहास बदलना चाहती है, छिपाना चाहती है। इसीलिए टीन शेड लगाए थे, ताला लगाया था उसमें, इसीलिए मजबूरी में हमें गेट के ऊपर से चढ़ करके जाना पड़ा। और अगर अगली साल भी लगाएंगे गेट पे ताला, तो अगली बार भी इसी तरह कूद करके जाएंगे। सर एक सवाल, इसलिए मेमोरियल जो बनने जा रहा है, मुझे उम्मीद है कि नेताजी का मेमोरियल सेफ्री में बहुत अच्छा जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे,
और इसीलिए मैंने ये प्रेजेंटेशन की। आर्य विद्या प्रताप सिंह जी ने हिंदी में बताया कि क्या क्या इसमें चीजें जोड़ रहे हैं, समय समय पर लोगों ने सुझाव दिए हैं, कोशिश होगी उन सुझावों को भी अकोमोडेट कर लें, उन सुझावों को भी शामिल कर लें, जिससे कि जिस जगह से नेताजी को सबसे ज्यादा लगाव था, मैं सबसे पहले वहीं उनका मेमोरियल बनाने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी 27 से पहले वो मेमोरियल बनकर के तैयार हो जाएगा। मैं प्रेस के साथियों का धन्यवाद दूंगा और एक बार फिर कहूंगा ये प्रेजेंटेशन कर दें और उनका गाना आप आ जाना। सर एक सवाल है, सर एक सवाल है। पीलीभीत जिले में 50 दिन से ज्यादा हो गया किसान लोग भूख हड़ताल पे है, 250 से ज्यादा। तेरी अलग है सबसे यहाँ बात। देखिए ये दोनों घटनाएं, हालांकि मैं क्योंकि मेमोरियल की बात ही, मैं और बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। जो बात यहाँ से कही गई है, अपहरण होकर के मार दिया गया बच्चा, सरकार का यही जीरो टॉलरेंस है क्या? और उस शहर में जहां बीजेपी के नेताओं पे पहले से आरोप है, मैं आज आपसे फिर कहता हूं, मैंने कई बार प्रेस से कहा, मैंने ये दूसरे